नमस्कार, आज एल भारत की टीम गांव यात्रा पर है। गांव यात्रा, जी हां, बिहार की गांव यात्रा। बिहार में आने वाले महीनों में चुनाव होना है और चुनावी साल होने के बाद भी ये देखना है कि बिहार की गांव कैसी है, बिहार की गांव व्यवस्था कैसी है, यहां की सड़कें कैसी हैं, ये आज आपको हम दिखाएंगे। और इसकी शुरुआत कर रहे हैं आधारपुर पंचायत से। आधारपुर पंचायत दरभंगा जिला का एक पंचायत है और इस पंचायत को आज आपको हम दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ गांव यात्रा पर। आधारपुर पंचायत का आधारपुर गांव है ये, और आज इस गांव की ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क में भी ये एक तिराहा है और इसकी दशा आप देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कि अब हम 19वीं शताब्दी नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी में हैं। कहां दुनिया 21वीं शताब्दी के रफ्तार से चल रही है। हमारे हुक्मरान ये कह रहे हैं कि सभी गांव की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया गया है। यहाँ तो गांव की सड़कें भी गांव की सड़कों से नहीं जुड़ी है, गांव की गलियां भी गांव से नहीं जुड़ी है। तो अब आप ये देखिए, ये किस तरह लोग जाते हैं, किस तरह लोग अपनी यात्रा करते होंगे। आज हम पटना में बैठे मुख्यमंत्री महोदय को ये दृश्य दिखाने जा रहे हैं, जो अपनी वर्चुअल रैली में ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है गाँव के लिए। आज ये नजारा भी देखिए, हम गाँव वालों से भी बात करेंगे, हम गांव वालों से भी इस मुद्दे पे बात करेंगे। आइए गांव वालों से बात करते हैं। ये वो रोड है जो मुख्य सड़क है, बोड़ा बोड़ाम प्रखंड से, माफ कीजिए गाली मत दीजिए, बोड़ा बोड़ाम प्रखंड से घनश्यामपुर प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क में विगत 1.5 साल पहले मदन सहनी जी, जो अभी खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं, मंत्री जी ने अनुशंसा करके 1.5 किलोमीटर का जो है सो इस सड़क के लिए अपने एक्सिट को से पैसा आवंटित किया, लेकिन अभी तक कहीं उसका रूपरेखा नहीं दिया गया। उसमें गड्ढा है और सड़क जाने लायक नहीं है, दोनों प्रखंड अभी का जो है ब्लॉक का जो है सो यातायात बाधित है। इसको कम से कम मदन जी को आकर के यहाँ पर इस संपर्क को जल्द से जल्द, इलेक्शन टाइम में आते हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर कोई काम नहीं। मार्ग के विषय में बताया जाता है कि मुख्यालय जो गौरा बोराम का मुख्यालय है प्रखंड का, उस मुख्यालय से घनश्यामपुर प्रखंड के मुख्यालय को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। जो गांव की मुख्य सड़क थी उसको अब आप गांव को की गलियों को भी देखिए, क्या हाल है गलियों की, उसकी एक वानगी देखिए कि लोग पैदल नहीं जा सकते, साइकिल से नहीं जा सकते, बाइक से नहीं जा सकते। और ये आपकी गांव की ही मुख्य सड़क से नहीं जुड़ती है, जबकि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हर गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया गया है। तो मुख्यमंत्री जी, उम्मीद है कि आप इसको देख रहे होंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो संज्ञान लीजिए और गांव के लोगों को 18वीं सदी से निकालकर 21वीं सदी में लाइए। टीम एन भारत। इसी के साथ आप एन भारत के साथ बने रहिए। आपको हम इन तीन महीनों में हमारी कोशिश होगी कि जिस गांव से भी हमारे पास फोन आएगा, हम उस गांव दौरा पे जाएंगे, हम उस गांव में कवर करने के लिए जाएंगे, उस गांव का हाल हम आपको दिखाएंगे। टीम एन भारत।